दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आज हम सीखेंगे लेसन टू। तो हम जल्दी से आज बातें ज्यादा ना करते हुए लेसन टू शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने लेसन वन देख लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। मैंने उसमें बताया था ट्यून वगैरह का, बताया था फिंगर प्रैक्टिस करने का, बताया था लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो अगर आपने अच्छे से कर लिया है, और किसी ने मैसेज भी किया था फेसबुक पेज पे, फेसबुक पेज मेरा जरूर लाइक करो, उस पे नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको, वीर कुमार गिटारिस्ट करता है। तो उसमें मैसेज करते हैं लोग, मुझे बताते रहते हैं उनकी क्या क्या दिक्कत आती रहती है। तो एक ने बताया कि ट्यून करना नहीं आता, तो थोड़ा सा बहुत उसे बता देता हूँ मैं कि गिटार ऐप उसने कहा कि ट्यूनर डाल लिया है लेकिन नहीं आया। तो आपको मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि स्ट्रिंग्स के नाम बताए थे, तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग जो भी होगा लिखा हुआ होगा ऐप में, गिटार ट्यूनर ऐप में, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में क्या है, जो भी स्ट्रिंग्स के नाम है ना, आप उस नाम से टिंग डिंग डिंग, किसी में ग्रीन बटन आता है किसी में नहीं, तो ई है इसका नाम तो ई आना चाहिए, टडिंग साउंड करता है, तो ग्रीन जब तक नहीं आए आप नीचे जाता है, और ज्यादा तेज घुमा दोगे स्ट्रिंग टूट जाएगा, इसलिए स्लो 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 ऐसे घुमाते रहो उसको। तो वैसे करना, आप ज्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आप गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि ऐप से कैसे ट्यून किया जाता है। ठीक है, तो अब लेसन टू पे आता हूँ। इस वाले लेसन में, लेसन सेकंड में आपको मैं कोर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि कोर्ड्स क्या है। ठीक है, और इसमें मैं तीन कोर्ड्स आपको बताऊंगा, डी ए एंड जी, ये तीन आपके सबसे पहले कोर्ड्स हैं। तो ये तीनों मेजर कोर्ड्स हैं। अब आप सुनते होंगे मेजर माइनर, तो मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर का मतलब होता है मेजर कैसे साउंड करते हैं, हैप्पी साउंड करते हैं, जैसे कि ये डी कोर्ड है डी मेजर, और माइनर सैड, ठीक है, तो सैड साउंड करते हैं, ये डी माइनर है, देख लिया होगा आपने। ठीक है, तो देखो आवाज में डिफरेंस, ये हैप्पी साउंड कर रहा है, और लेकिन अब ये अगर डी माइनर हो गया तो कोई दुख भरा गाना बजने वाला है। वो वाला भी, इस पे भी है मेरा ट्यूटोरियल, देख सकते हो आप सब्सक्राइब करके, आसानी से लेसन मिल जाता है मेरा। और डी माइनर से याद आ गया तो एक रिक्वेस्ट किया था, ये दम मारो दम का सर मुझे बता दो, फिलहाल लेसन टू पे फोकस करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा हर लेसन देखा करो, किसी ना किसी बात, हर बंदे की बात बीच में आती ही आती है। ठीक है, तो आज लेसन टू बनाते हैं हम, तो इसीलिए थ्री प्रिंसिपल कोर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं आज, डी जी और ए। तो अब डी की शेप देख लो, डी की वन टू सेकंड फ्रेट में फर्स्ट फिंगर से जी स्ट्रिंग पे, आपको स्ट्रिंग के नाम आई होप याद होगा होंगे, अब जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर, अब ई स्ट्रिंग हाई ई सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट, अब थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट बी स्ट्रिंग, तो ये तीन स्ट्रिंग मैं प्रेस कर रहा हूं, और मैं ये चार स्ट्रिंग प्ले करूंगा। तो देख लो डी का साउंड कैसा है, अगर आप अच्छे से प्रेस नहीं करोगे ये तो कैसा साउंड आएगा, तो पॉइंट करके रखना आपको, मैंने बताया लेफ्ट हैंड पे ध्यान दो, पॉइंट करके रखो, वन टू थ्री, इतना तो आपको करनी है, बहुत बार मैं ऐसे करता हूँ यार, मैं ऐसे बजा चुका हूँ, ठीक है, प्ले कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, जो जिसको काफी बजाना आ जाता है तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि मेरे को ऐसे भी बजाना आता है, लेकिन आप ऐसे शुरू में प्रैक्टिस करोगे गलत हैंड पोजिशन से ये चिपका कर, तो क्या होगा, आपको हैबिट हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस ही वैसे है। तो मैं ऐसे भी प्ले कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे ही प्ले करते हो तो आप कभी ट्राई करोगे तो ऐसे कभी नहीं प्ले होगा आपसे, गलत पोजीशन से, इसलिए है शुरू में ही मिस्टेक्स को मत सीखो, मिस्टेक मत करो, गलतियां मत करो, अच्छे से सीखो।
तो डी हो गया, ये है डी मेजर कोड, फिंगर शेप देख लिया, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करना है कैसे, 1 2 3 फिंगर्स के नाम ले रहा हूं मैं, 1 2 3 अभी राइट हैंड का कोई काम नहीं है, 1 2 3 शेप याद हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर ये आगे भी काम आएगा आपको, ऐसे प्रैक्टिस करना, गाने गाते समय याद आएगा आपको, अगर पुराना लेसन देखा होगा मेरा उसमें भी बताया, हाउ टू सिंग वाले लेसन में है उसमें बताया, ऐसी आदत डालो, 1 2 3 1 2 3 जब तक गिव अप मत करो, जब तक अच्छा साउंड नहीं आए। और कुछ लोग क्या करता है, डी रख लिया और ऊपर से प्ले करेंगे ई, ती च, छ की छह स्ट्रिंग्स, कुछ मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, ये छोटी छोटी बारीकियां जो बताता हूँ ना बहुत काम आती है आपके, उससे कहते हैं सर आप जो बजा रहा हमसे तो बजी नहीं रहा, हमने भी पकड़ रखा है, कैसे बजेगा यार, अब देखो सिर्फ डी है तो नीचे से की सिर्फ चार स्ट्रिंग्स प्ले करो, कुछ लोग जी ऐसे लेते हैं, तो मैं इजी वाला बताऊंगा जिसमें मैं फोर्थ फिंगर भी यूज कर सकूं, तो फोर्थ फिंगर हाई ई पे थर्ड फ्रेट, फिर थर्ड फिंगर बी पे, फिर सबसे ऊपर थर्ड फ्रेट ही, सेकंड फिंगर कौन सा स्ट्रिंग लो ई पे, और फिर सेकंड फिंगर वो फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट ये वाला स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग पे, तो इसका ऑल्टरनेट है, आप अगर पिंकी फिंगर फोर्थ फिंगर यूज नहीं कर पाते लिटिल फिंगर, तो ये वाला ऊपर का शेप सेम रहेगा, ये वाला सिर्फ उठा के थर्ड थर्ड फ्रेट पे हाई ई पे, ये भी ऑल्टरनेट है इसका जी का, ठीक है, तो जी लेकिन कंप्लीट आप लोगे तो ये वाला फिंगर मैं क्यों यूज कर रहा हूं भी, क्योंकि सपोर्ट मिल जाएगा आपको, फोर थर्ड फ्रेट फोर्थ फिंगर, उसके ऊपर बी पे थर्ड फिंगर, फिर सबसे ऊपर थर्ड फ्रेट पे सेकंड फिंगर, फिर फर्स्ट फिंगर ए पे और सेकंड फ्रेट, इसमें भी हाथ देख रहे हो मेरा, लेफ्ट हैंड पोजीशन ये ऐसा होगी और उसके बाद आपका साउंड नहीं आएगा, लेकिन इसको ऐसे करके और ये प्रेस करके रखोगे अच्छे से थंब से सपोर्ट करके, वन टाइम में नहीं आया, टू टाइम में नहीं आया, थर्ड टाइम में, जैसे कि मैंने बोला प्रैक्टिस से ही होता है, हाथ सही से रखना और साउंड ना आए प्रैक्टिस करते रहना अपना तरीका, क्योंकि आप देख कर सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है अपना फोकस और कंसंट्रेशन और अपना पावर बढ़ा देना है कि मैं कैसे एक एक चीज बताता हूँ, अगर आप सच में और जल्दी से सीखना चाहते हो। अब नेक्स्ट कोड आ गया, ये जी मेजर, अब नेक्स्ट है हमारा ए, ए मेजर कोड, ये तीनों मेजर मैं बताया, थ्री प्रिंसिपल मेजर कोड्स, तो अब लास्ट है हमारा ए, तो इसमें मैं फोर्थ फिंगर यूज करूंगा, आप थर्ड से भी यूज कर सकते हो क्योंकि इससे प्रेस नहीं होता है, तो आप ऐसे यूज करो, थर्ड बी पे सेकंड फ्रेट, उसके ऊपर जी पे सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट और फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट डी स्ट्रिंग, ये वाला ए की फ्रेट में है, देख लो आप, एक ने बोला था कोर्ड्स समझ में नहीं आते, नहीं आते ये ही है बेसिक, ठीक है मैं सिंपल सा बता रहा हूं, तो ये वाला आप प्रैक्टिस कर लो, तो ए मेजर कोड हो गया, आप ऐसे भी बजा सकते हो, जिसका फिंगर से ये बड़ा हो तो फोर्थ फिंगर ले सकता है, शेप सेम रहेगी, इसमें फाइव स्ट्रिंग्स प्ले करनी है, ए डी जी बी ई, फाइव स्ट्रिंग्स प्ले करनी है, आपका हो गया डी कोड, देखो 1 2 3 ऐसे प्रैक्टिस करना, जी का करना है 4 3 2 1 4 3 2 1 पहले ऐसे शेप याद कर लेना, जो ये यूज नहीं करना चाहता तो ऐसे कर सकता है 3 2 1 3 2 1, ठीक है ये भी जी कोड है, और जो ए करना है ए थर्ड से शुरू करना 3 2 1 3 2 1 तिरछा तिरछा रखता हूं मैं, देख लो कितना पास, 3 2 1 देखा करो कि कैसे रखता हूं, 3 2 1 ऐसे भी रख सकते हो, 3 2 1 3 2 1 हो गया,
तो अब आपके पास कोर्ड्स हो गए तीनों कोर्ड्स, तो अब लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस हो गई और ये वाली प्रैक्टिस भी करते रहो। ये प्रैक्टिस अभी भी मैं करता हूँ, जब भी टाइम होता प्ले करने का दिल नहीं करता यार, मुश्किल हो जाती है, टाइम का दिक्कत चल रहा है आजकल। ये यकीन मानो जब मैंने लास्ट टाइम लेसन बनाया था ना इंट्रोडक्शन और फर्स्ट लेसन, उसके बाद से आज गिटार उठाया, आज प्ले हो रहा है, पता नहीं कैसे प्ले हो रहा है। तो इसीलिए काफी टाइम हो गया ना गिटार प्ले किए हुआ, तो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट लेसन भी कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस में रखो। अब मैंने आपको कोर्ड्स भी बता दिए, कोर्ड शेप भी याद रखो। अब आते हैं हम राइट हैंड पे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको जब शेप होने तक डी पे चार स्ट्रिंग, जी पे सारी स्ट्रिंग्स, छे पे छे स्ट्रिंग्स, ए पे पांच स्ट्रिंग्स, तो ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जी लिटिल फिंगर से भी ले सकते हो, ये मैं ऐसे ही लेता हूं। आई एम श्योर अभी शुरुआत हो रही है तो थर्ड फिंगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन लेते हो ऐसे तो अच्छा है। तो और एक और बात बताना चाहूंगा कि जब साउंड कटता है ना, जब भी शेप ले लेते हो आप, तो ऐसा प्ले मत करो, एक एक स्ट्रिंग प्ले करो, देखो किसका साउंड कट रहा है या नहीं कट रहा है, किसका कट रहा है। तो समझ लो ये फर्स्ट फिंगर गलत रखा हुआ है, थोड़ा और प्रेस करना है, ऐसा साउंड जरूर चेक करना है। ऐसे जी का जो जो स्ट्रिंग हम प्रेस कर रहे हैं उसको चेक करो, पर क्या होता है ये वाली स्ट्रिंग इसको भी डिस्टर्ब करती है, तो देखा करो कि ओहो, तो पॉइंट करके रखना है, तो नहीं तो ये इसको टच हो जाती है नीचे वाले में, तो ये डिस्टर्ब करेगी तो ये साउंड नहीं देगा, ठीक है। ये भी आपका काम है देखना, ऐसी ये स्ट्रिंग में अच्छा से ये वाला नीचे इसके टच रहेगा तो ये म्यूट हो जाता है, लेकिन इसे खड़ा करके रखोगे, सारा ही टेक्निक का कमाल है राय, लेफ्ट हैंड पोजिशन, पोजिशन का ही है सारा, पोस्चर अच्छा रखोगे, पोजीशन करेक्ट रखोगे तो अच्छा आवाज आएगा, नहीं तो देखो ऐसे ही। तो ये चेक करना आपको साउंड कट तो नहीं रहा, फिर ए, ठीक है, देख लो मैं ये भी यूज करता हूँ, तो आप अपने हिसाब से करना, एक पैटर्न से सीखना उसी की प्रैक्टिस करना। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड पे, राइट हैंड में स्ट्रमिंग सिखाऊंगा आज हम, आज मैं क्या करूंगा, तो फर्स्ट स्ट्रमिंग है आपका, अब कोई सा भी कोर्ड ले लो, नहीं भी लेना है, लेना है तो अच्छी बात है, अगर लगा लिया है, नहीं लेना तो इसको छोड़ दो और इससे प्रैक्टिस करो। तो ठीक है, और राइट हैंड का प्रैक्टिस करना है, इससे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर कोर्ड ले लोगे, डी कोर्ड ले लो या इन तीनों जी डी जी और ए में से जो भी आपसे पहले प्ले हो रहा है ना और सबसे इजी लग रहा है आपको, तो वो वाला कोर्ड पे आप कोई सा कोर्ड ले लो और उस पर प्रैक्टिस कर लो, 1 2 3 4, थोड़ा साउंड अच्छे लगने के लिए। तो डाउन डाउन, तो फर्स्ट में डाउन 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 डाउन, चार डाउन स्ट्रोक कर रहा हूं, वो कैसे कर रहा हूं मैं देखो, 1 2 3 4 डाउन 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 डाउन। ये राइट हैंड प्रैक्टिस है, फर्स्ट टाइम आपका स्ट्रमिंग चलाने के लिए ही ये प्रैक्टिस दिया गया, आपको आगे बजाना है ना, कुछ भी प्ले करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस दे रहा हूं ये मैं, कि आप उसका बेसिक स्टेप फर्स्ट स्टेप पता नहीं है। 2 3 4 डाउन डाउन, अब भोसे कैसे प्ले करते हैं देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे नहीं करना, गिटार तोड़ना नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग्स को सॉफ्टली, मैं कैसे राइट हैंड थोड़ा लाइट कर लो, हल्का रहेगा ना ये, थोड़ा सा स्लाइड करके जाता हूं मैं, ये चीज स्ट्रेट करके करोगे देखो गंदा साउंड आता है, लेकिन इसको मैं स्लाइड करके थोड़ा सा और लाइट जितना हल्का रख सकते हो ना इसका, मैं रिस्ट यूज करता हूँ ये वाली, तो रिस्ट यूज करता हूं, अच्छा साउंड आता है ना, 1 2 3 4 down 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 down, first run ये करना है 10-15 मिनट आपको कम से कम, ये तो 1 घंटा प्रैक्टिस करना है पूरे दिन में, फिर उसके बाद अप अप करना है, सेम 1 2 3 4 किस
इसमें भी वही है, स्ट्रेट नहीं लाना है, ये नहीं करना है, स्लाइड करके जाता है, रिस्ट का यूज करता हूँ, तो 2 3 4 सारे अप स्ट्रोक है नीचे से ऊपर, 2 3 4 ठीक है। सेकंड प्रैक्टिस हो गई आपकी, और थर्ड प्रैक्टिस क्या है, डाउन अप डाउन अप, अब तो डाउन अप डाउन अप, 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना कर लो गया तो बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं, नेक्स्ट लेसन में गाना सिखाने वाला हूँ। एक और बेसिक सी स्ट्रमिंग आपको बता देता हूं मैं, जो सबसे इजी स्ट्रमिंग है, अगर ये प्ले कर लोगे ना तो समझ लो आगे आपके लिए इजी होने वाला है कोई भी स्ट्रमिंग प्ले करने के लिए। तो ये नहीं कर पाओगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, पहले इसी को सेट करना, आई एम श्योर कर लोगे, बहुत इजी है। तो क्या करना है आपको, डाउन 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 अप डाउन अप, तो डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप। ये भी मैं एक रिदम में प्ले कर रहा हूं ना, जैसे बहुत से लिख देते हैं नोटबुक में डाउन 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 अप डाउन अप, तो क्या होता है उसका, तो हर चीज का डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप रिदम है ना। तो अभी गिटार लेके बैठो, मेरा वीडियो देख रहे हो तो डाउन 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 अप डाउन अप, इस रिदम में करो, स्लो कर सकते हो चाहे तो, इतना फास्ट नहीं चलता, तो डाउन 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 अप डाउन अप, राइट हैंड देखो अपना, ऐसा करो जैसे सेम मैं प्ले कर रहा हूं, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो यार, बहुत मजा आता है सब्सक्राइब करने में, मैं बताता हूँ कैसे। नीचे वाला जो छोटा सा लाल बटन है ना उसको दबा दो, कुछ नहीं होता, कोई पैसे वैसे नहीं कटते, मेरे भी नहीं कटते, आपके भी नहीं कटते, और आपका ही फायदा होता है। मेरा क्या होता है, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है और उसके जरिए क्या होता है, बंदे को सीखने को मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एक और बंदा जुड़ गया या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, इसके लिए और वीडियो बढ़ाना मतलब जल्दी डालने पड़ेंगे और थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा जो ठीक है वीडियो बनाने के लिए। और क्या करते हैं कि ये वाला प्रैक्टिस करके रखो, नेक्स्ट मेरा लेसन आ रहा है उसमें एक गाना सिखाने वाला हूँ मैं, अब वो थर्ड लेसन होगा, इसके बाद देखो वो कौन सा गाना सिखाऊंगा मैं। चलो तो फिर खत्म करते हैं।